तो राम राम दोस्तों, हाजिर हाँ एक नए वीडियो लेर। तो बडेरा ने प्रणाम, दोस्ता ने राम राम। तो वीडियो पसंद आवे तो लाइक कमेंट शेयर कर बो मत भूल जो, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, ताकि मका नया वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ज्ञान की था लोगों ने पतो है कि आपा लोगों ने हरी सब्जी खूब खानी चाहिए, इस शरीर ने पोषक तत्व तो मिलता रहे। और आपा राजस्थानी लोग तो हरी सब्जी खाबो खूब पसंद करा। जिया बतुओ, पालक, चौड़ाई आदि। आज मैं थका ने ईयान की ही एक रेसिपी ले आया हूँ, जी को नाम है सुग्गा साग, जिन्हें हिंदी में कहे सुआ साग या डिल लीफ। इकी पत्तियाँ सुगंधित हुए और आ अजवाइन का पौधा का परिवार से संबंधित हुए। इको उपयोग सलाद, सूप, सब्जी के रूप में करे जावे दोस्तों। साथ ही सुग्गा साग की पत्तिया में हुए गणोई औषधीय गुण। जी हाँ, इकी पत्तियाँ पेट संबंधित परेशानियों में लाभ पहुँचावे दोस्तों। तो इकी में एक सरल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद है आप सब ने पसंद आसी। तो शुरू कर हाँ दोस्तों आज को वीडियो। तो दोस्तों, यो है सुग्गा साग, इकी तैयार करेंगा आप सब्जी। तो इके लिए कढ़ाई में तेल गरम करेंगा, इमें डालेंगा आपा जीरो। जीरो जब तड़क जावे फिर इमें डालेंगा आपा हरी मिर्ची बारीक कटड़ी। अब इमें डाल से आपा कांदा और अन्य कर ले से रोस्ट। थोड़ी देर बाद आपा आमे डाल देशा टमाटर। अब इमें डाल देशा आपा हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ो सो धनो, और स्वाद अनुसार नमक, और अने अच्छे से कर लेवांगा मिक्स और अच्छे से पका लेवांगा। अब इमें डाल देशा आपा सुग्गा साग और अच्छे से कर लेवांगा मिक्स। अब इमें डाल देशा आपा आलू और इन्हें मिक्स करके ढक कर पका लेवांगा। जब आलू पक जावे तो इम आपा मिला देवांगा नींबू को रस और अच्छे से मिक्स कर लेनो है। तो दोस्तों, तैयार होगी है अपनी सुग्गा साग की रेसिपी। तो वीडियो पसंद आए हुए तो लाइक कर बो बिल्कुल ना भूलिया, कमेंट करके बताया कि वीडियो क्या इनको लागो, और शेयर कर बो तो बिल्कुल ना भूलिया। तो फिर मिला दोस्तों एक नया वीडियो के सागे, तब तक के लिए राम राम साउथ।